गाइस अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। हम आ गए आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जो कि है इमरान खान की न्यू टिकटॉक वीडियोस। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जब लड़ते लड़ते राग मिली दुश्मन से, कहा तुम याद रखो ये मेरा घर है याद। وقت از ما با غریبای بوره خنده ما کوا زلو گتن دو پیراون و چا تا سوال نکوا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ طارق جان صاحب کی آواز ہے نا، میں ان کی آواز بہت اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ ان کی آواز کتنی پیاری ہے، बहुत अच्छा है इनका टोन है, बात करने का जो टोन होता है ना बहुत प्यारा है। कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनून का हम सफर हूँ मेरा कोई घर नहीं। ये तो खान साहब का शुक्रिया अदा करें, उसने फोन को रोका हुआ है। अगर वो हमें इजाजत दे, खुदा की कसम इनको नहीं छोड़ने वाला। इमरान खान को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी नस्ल को भी माफ नहीं करूंगा। इमरान खान को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी नस्ल। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। बड़े बड़े नामों से मुलाकात हुई, इवन के क्वीन से भी मुलाकात हुई और सारे बड़े टॉप लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से मुलाकात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बंदे से मुझे हाथ मिला के अच्छा लगा, एक के यार एक मेरा ख्वाब पूरा हो गया, वो इमरान खान था। ओए होए क्या जरूर आप लोग बताना। अब अजीब ही कुछ लैंग्वेज है ना एकदम। हाँ, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना गाइस, और ध्यान से सुन लीजिए कौन से आप लोग क्या बोल रहे हैं, इस सॉन्ग का मतलब क्या है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना ताकि हमें भी पता चले, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में यूपी का एक कौल है कि जिस हुक्मरान से तुम्हारे मुल्क के दुश्मन खौफजदा हों और अंदर के गद्दार परेशान हों, तो समझ जाओ वो हुक्मरान तुम्हारे मुल्क का बेहतरीन हुक्मरान है। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुरा ही नहीं समझते, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? मैं क्यों पढ़ूं, 14 साल पढ़ाई करूं, उसके बाद 8-8 घंटे काम करूं, और मैं अपने मुश्किल से बीवी बच्चों का पेट पालूं, और दूसरा आके एक कब्जा ग्रुप बन के इतना बड़ा प्लाजा बना दे, असेंबली में भी आ जाए, और मैं देख रहा हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, और ये देखो कोई मेहनत किए बगैर इतना बड़ा
कोई माशा नहीं चल सकता। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है नवाज शरीफ बैंड बजा और उसकी कंपे टांग रही है। कितने मतलब इनके कितने सारे फैन यार, बच्चे देखे वजीरे आजम बोल रहे हैं, कोई इमरान खान बोल रहे हैं, जब उसमें सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, मतलब इतना एक्साइटेड रहते हैं वहाँ के बच्चे भी इमरान खान के नाम से, मतलब एकदम कितने डाई हार्ट फैन होंगे ना। पीटीआई सॉन्ग का देखो, हमने कितने सारे पीटीआई सॉन्ग पे रिएक्शन दिए, फिर भी अभी भी ऐसे हैं जो हमने देखी नहीं। देखेंगे, बहुत सारे सॉन्ग हैं, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग इतने किसी के लिए सॉन्ग ही नहीं बने होंगे ना, किसी पार्टी के लिए। हाँ, कि पूरे वर्ल्ड में देख लोगे ना, कोई भी पार्टी के नहीं बने होंगे, और यहाँ तक के पाकिस्तान में भी इतनी सारी जो भी पार्टी है, बहुत इमरान खान के अपोजिट में बहुत सारी पार्टी है, उनके लिए भी इतना सॉन्ग नहीं बने होंगे, ठीक है, जितने इमरान खान के लिए बने हैं। और हर में सिर्फ टारगेट करते हैं इमरान खान, मतलब इमरान खान का नाम आता ही है सॉन्ग में, और बहुत तबाही बनता है और जुड़ता भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बना दिया, ठीक है, उसके बाद फिर नाम नहीं जोड़ रहा है, लेकिन क्या सोच के बनाते हैं ना, एकदम बहुत सारे तो हम लोग को याद हो गया। अभी इसमें भी एक वीडियो है, तो उसमें पीछे इसमें दो चला है ना। और गाइस आप लोग जो बीच में जो वो कुछ अदर लैंग्वेज में थी, कौन सी लैंग्वेज में थी, ये जरूर कमेंट करना, और वो क्या बोल रहे हैं ये भी बताना, हमें नहीं पता है क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं है पाकिस्तान में कौन कौन से लैंग्वेज है, ये हमें नहीं पता, तो आप लोग कमेंट करना और बताना कि वो क्या बोल रहे हैं उस सॉन्ग में, कुछ सॉन्ग ही है वो लेकिन अदर लैंग्वेज में, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू गाइस।